वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हनुमान जी को आप किस तरीके से बना सकते हैं, हनुमान जी का स्वरूप जो है डॉल से कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल डॉल से हमने बनाया हुआ है, पूरा ट्यूटोरियल आपको दिखाया जाएगा एंड आप बीच में वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो के बीच में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि हनुमान जी से रिलेटेड ही होगा, तो उसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो जल्दी कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डॉल लेनी है, डॉल कोई भी साइज की ले सकते हैं, छोटी बड़ी। यहाँ पर हम पूरा मेकओवर करने वाले हैं ना, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं बाल और पूरे बाल निकाल देंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्ले। कोई भी क्ले ले सकते हैं आप, प्ले डो ले सकते हैं या होममेड क्ले ले सकते हैं, कोई भी मॉडलिंग क्ले ले सकते हैं। उससे बस दो बॉल्स बनाकर हम नोज़ के अराउंड टू इस तरीके से बॉल्स को लगा देंगे और नीचे एक और पीस को इस तरीके से सेट करके हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। तो हल्के हाथ से प्रेस करेंगे तो बीच का होल है वो भी क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेलिंग कर देती हूँ, हल्का सा मैं ये पिन टाइप ले लिया है, जैसे सेफ्टी पिन ले सकते हैं, तो इससे थोड़ी डिटेलिंग जाए ताकि जो भी इसी शेप में जब ड्राई हो जाए और तो इसी शेप में ड्राई हो, और इसे तब तक जब हमें टच नहीं करना है जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। और यहाँ पर अब मैं जब सूख गया है तो स्किन कलर कर रही हूँ। स्किन कलर आप घर पर भी बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सूखने के बाद पेंसिल से हमने देखे सारे जो आईज़ आईब्रोज एंड जो थोड़े मसल्स का है वो सारी चीज़ें बना ली थी ताकि हमें ईजी रहे बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर थिन पेंट ब्रश या फिर आप मार्कर से लेकर आउटलाइन दे सकते हैं और हेड को हम यहाँ हेड बेस को पेंट कर रहे हैं अच्छे से ताकि जब हम विग बनाएं तो स्किन कलर ना नज़र आए। अब आईबॉल्स हर ध्यान रखें कि हर चीज़ को तब हमें करना है जब वो पहला पेंट हमारा ड्राई हो जाए। अब मसल्स को प्रोमिनेंट दिखाने के लिए कोई हनुमान जी हैं तो फिर तो दिखाना ज़रूरी है ना। अब माउथ जो उनका है उसमें भी थोड़ा सा हम डिटेलिंग करनी शुरू कर देंगे। आईज़ जैसे जैसे ड्राई होती जाएगी वैसे वैसे हम उसमें कलर करते जाएंगे। जो फेस का जो फ्रंट पार्ट रहता है ना उसमें भी हमने कर दिया है। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं विग, तो विग बनाने के लिए हम ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक स्टिक ले लिए। स्टिक अगर आपके पास नहीं हो तो डोंट वरी, यू कैन यूज़ पेंट ब्रश, पेंट ब्रश की जो स्टिक होती है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लेंथ ले ली है, ये लेंथ आप डॉल के साइज़ के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सेम साइज़ के हमने सारे स्ट्रैंड्स ले लिए हैं और यहाँ पर जब पूरा बंच रेडी हो जाएगा तो इसमें हम ग्लू लगा देंगे। तो ग्लू लगाने के बाद यहाँ पर इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे, जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये डिसअपियर हो जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं इसको स्टिक के अंदर से। तो यहाँ पर हम इसे तैयार कर रख लेते हैं, थोड़ी सी और डिटेलिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमारी जो हमने विग के लिए बनाया है ना उसको स्टिक कर देते हैं इसके साथ में। तो हेड के ऊपर हमने यहाँ पर हॉट ग्लू लगा दिया, आप कोई भी ग्लू लगा सकते हैं, इसको हमें ज़्यादा देर पकड़ना नहीं पड़ता, इंस्टेंटली यूज़ होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे लगा दिया है। तो ये पीछे थोड़ा हम ट्रिम कर देंगे क्योंकि आप देख रहे हैं छोटे बड़े हो रहे थे। तो अब सारा ट्रिम होने के बाद हम उनका लंगोट बना रहे हैं। तो जो इमेज से हम बना रहे हैं ना उसमें लंगोट इसी कलर का कुछ पर्पल ब्लूइश था, तो हमें ये कपड़ा मिला प्लेन। तो प्लेन को हम थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए गोल्डन कलर की यहाँ पर लेस लगा रहे हैं और यहाँ पर ग्लू लगाते जाएंगे और अपनी लंगोट को बनाएंगे। आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ये ग्लू स्टिक्स का कुछ काम नहीं करना है तो आप स्टिच भी कर सकते हैं अगर आपको काम आता है, नहीं आता है तो ये सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है और बहुत ही इजी है। ये देखिए बस यहाँ पर जो जो भी हमें डिटेलिंग करनी होती है ना लेस से, तो वो हम वहाँ पर ग्लू लगाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, एकदम ज़्यादा नहीं कि आपका ड्रेस ख़राब ही हो जाए। तो देखिए मैं एक साथ नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो ड्राई भी हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा लगा कर लगा दिया है। और अब ये पार्ट है जो लंगोट के आगे थोड़ा सा रहता है ना हैंगिंग, तो उसको हम पहले बना लेते हैं लेस लगाकर और उसके बाद हम जो लंगोट बनाया है उसके आगे फ्रंट में यहाँ पर चिपका देंगे। तो हमारा ये भी देखिए काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। अब ये वेस्ट बेल्ट का काम करेगी हमारी लेस। तो मोस्टली ऑर्नामेंट्स आप देखोगे हम जो बना रहे हैं ना वो लेसेस के इस्तेमाल से ही बना रहे हैं, और एक पाँव में इस तरीके से एंकलेट बनाई हुई है तो ये भी लेस से ही हम कर रहे हैं। और बाकी की जो और जो हाथ में है उनके आर्मलेट्स वगैरह वो सब इसी चीज़ से बना रहे हैं। अब हाथ उनका ना एक हाथ गदा पकड़ते हुए दिखाया जाता है हनुमान जी का, तो हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और ग्लू लगाकर उसे अच्छे से सेट कर लेते हैं क्योंकि बाजू ऐसे ट्विस्ट तो नहीं होती ना, तो हमने ग्लू लगा दिया है। अब बाकी की जो चीज़ें जैसे नेकलेसेस हो गए हैं वो सारी चीज़ें भी हम। तो आज की वीडियो का क्विज़ ये है, आपको हमें ये बताना है कि हनुमान जी कौन से पर्वत को उठा कर लेकर आए थे,
जिसमें जड़ी बूटियां लगी हुई थी। मैंने इतना हिंट भी दे दिया है आपको, और कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए अगर आपको पता है, नहीं पता है तो थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, तो आपको फिर दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं मुकुट बनाने के लिए। तो हम लेस को ही मुकुट की शेप में कट कर रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा डबल करके इसमें ग्लू लगा देंगे, और अपने जो हेड है उसके ऊपर एज इट इज़ जो पोजीशन है वहाँ पर उसे स्टिक कर देंगे। अब ये है मुकुट का बैक पार्ट। तो ये अगर आपके पास इतनी ब्रॉड लेस है तो उसे आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप पेपर के ऊपर गोल्डन पेंट कर सकते हैं, या कोई गोल्डन पेपर आपके पास हो उसको पीछे इस तरीके से चिपका सकते हैं एक शेप देकर। तो ये भी हमारा तैयार हो चुका है। अब ये जंप रिंग्स है जिससे उनके कुंडल का हमने चिपका दिए हैं, कुंडल का लुक आएगा। अब ये कुछ स्टोन्स हैं, ये राइन स्टोन्स हैं, अगर आपके पास ठीक अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप बिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्टोन्स वाली बिंदी होती है, इससे एक अच्छा लुक आ जाएगा ज्वेलरी का जो होता है। अब यहाँ पर एक हमारे पास कपड़ा है जो कि हनुमान जी का स्टॉल इससे बनने वाला है। तो ये स्टॉल बनाने के बाद हम इसमें लेस वगैरह लगा देंगे, और इसे ना कुछ इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर ग्लू लगा कर उसे सेट कर देंगे। अब यहाँ पर जो हम इमेज बना रहे हैं ना उसी की तरह अब यहाँ पर हमने एक हार्ट पेपर ले लिया, जैसे हमारे इनविटेशन कार्ड्स होते हैं ना उस तरीके से, और उसके ऊपर हम पूंछ ड्रॉ कर देंगे पहले, और फिर कुछ भी पेन से या फिर स्केच पेन से जिससे भी आपको बनाना है वह उससे रफ ड्रॉ कर लेंगे, और इसके ऊपर हम कलर कर देंगे। तो जो कलर करने वाले हैं वो ब्राउन करेंगे। सो यहाँ पर मैं नॉर्मल स्केच पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पेंट वेंट करके भी इसे बना सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं इसमें आउटलाइन कर दूँगी मार्कर से ताकि थोड़ा ब्रॉड हो जाए, क्योंकि हम इसका कटआउट लेंगे, अगर इतने पतले उसमें ब्लैक के ऊपर ही कटआउट लेंगे तो फिर क्या होगा ना, जो हमारी आउटलाइन है ब्लैक वो ज़्यादा नज़र नहीं होगी, विजिबल नहीं होगी। तो ये देखिए मोटा करने के बाद हम इसे कट करेंगे तो हमारी काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग के साथ ही हमारी पूंछ बनकर तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा स्टॉल सेट हो चुका है ना अच्छे से। अब पूंछ को भी पीछे हम यहाँ पर चिपका देंगे, क्योंकि ये पेपर है तो बहुत हल्का है, तो इजीली हमारा जो है पूंछ भी यहाँ पर स्टिक हो जाएगी। और अब यहाँ पर हम बना रहे हैं गदा। तो गदा बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एल्युमिनियम फॉयल, आपके पास कोई बॉल हो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बॉल जैसा ही बना रही है, और यहाँ पर ले रहे हैं लेस। तो जो सेम लेस हमने जो ड्रेस में यूज़ किया था वही सेम लेस को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बट देखिए जिस तरीके से हम रोल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर, ऐसे हम पूरा हमें जो है ये जो बॉल बनाई है हमने इसे पूरा कवर करना है। तो इस तरीके से हमारा जो गदा है वो तैयार हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको पास लेस ना हो तो एक गोल्डन पेपर से भी आप उसे रैप कर सकते हैं, और एक स्टिक ले लेते हैं तो यहाँ पर चिपका देंगे, और इसे यहाँ पर इस तरीके से हमने फैलाकर थोड़ा सा इसे चिपका दिया है। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर हम लेस लगा देंगे स्टिक के अराउंड। तो ये भी हमारा कम्प्लीटली देखिए, जब इसे लेस से कवर कर देंगे तो गदा हमारा आप देखोगे कि पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है। जहाँ थोड़ा बहुत आपको लगे वो आप उसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये लाइट इन वेट है, और यहाँ पर हमने इसे भी सेट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे प्यारे से हनुमान जी बनकर तैयार हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे हों, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा, अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारे ये हनुमान जी कैसे लगे। तो कैसी लगी आपको हमारे लिए तो हनुमान जी की वीडियो, जो कि हमने आपने देखा ये ना पूरा स्वरूप कितना, बिल्कुल आप बता ही नहीं सकते कि वो वाली डॉल थी और ये वाली डॉल है। तो जिनकी भी ये रिक्वेस्ट थी, थैंक यू सो मच अपनी रिक्वेस्ट देने के लिए। ऐसे ही अपनी बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें देते जाइए, जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होगी जिस टॉपिक के ऊपर हम वो टॉपिक पिक करेंगे और वो उसी डॉल के मेकओवर के ऊपर बनाएंगे। हाँ, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप हमें अपनी क्रिएशन की वीडियो या फिर जो भी आपको शेयर करना हो जो आपने बनाया है तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। जय हनुमान जी की।